नया दिन है, नई जगह है और अभी है हम जन्नत में। तो आप देखेंगे ये जो सारे एरिया है जन्नत से कम नहीं है। हर साइड बर्फ़ है, अभी ताज़ा ताज़ा स्नोफॉल हुआ है। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि मन करता है कुछ और टाइम यहाँ पे बिताएं। तो अभी हम जा रहे हैं गांव को थोड़ा और एक्सप्लोर करने। ये है गुलमर्ग से पीछे गाँव है तंगमर्ग, ठीक है। तंगमर्ग तो एक तरह से छोटी सिटी या कस्बा कह सकते हैं, बट जो गांव है वो फिरोजपुरा है। अभी हम वहां से जा रहे हैं थोड़े गांव से आगे, तो वहां पे हम एक्सप्लोर करेंगे नेचुरल ब्यूटी को। अगर हमें लकड़ियां मिलती हैं तो थोड़ा बोनफायर करेंगे। टेम्परेचर यहां पे लगभग अभी 0°C है, क्योंकि बर्फ़बारी हुई है तो ज़्यादा ठंड नहीं है, क्योंकि ताज़ा ताज़ा हुआ है। और वैसे कल यहाँ पर -10 के आसपास टेम्परेचर था। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं आज क्या क्या होता है। बाकी बने रहिए हमारे साथ। तो यार लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, क्योंकि सब कुछ आपके लिए ही कर रहे हैं, आपका सपोर्ट चाहिए। तो चलिए चलते हैं। तो ये है दोस्तों जन्नत, इसको कहते हैं जन्नत, जन्नत ए कश्मीर, जन्नत ए गुलमर्ग, जन्नत ए तंगमर्ग, जन्नत ए फिरोजपुरा। हर गली गली का एड्रेस बता दिया मैंने अब। तो जी, हाँ, यहाँ पे फिसलन बहुत होती है। हाँ, अगर हम गिरेंगे तो बहुत ज़ोर से गिरेंगे। तो भाइयों, सबसे पहला काम कर दिया हमने कि गाड़ी को कर दिया एक जगह ऐसी पार्क, जहाँ से फिर निकलने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि ये जो पॉइंट है, जो ये मेरे पीछे ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये काफ़ी डेंजरस पॉइंट है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारी गाड़ी यहीं फंसी थी। तो बिना स्नो चेन के तो मतलब ही नहीं था कि गाड़ी निकल पा रही थी, क्योंकि उसका मोशन ही नहीं बना था, उसमें पावर बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। ठीक, यहाँ पे हमने पहला बोनफायर किया था रात को। गाड़ी हमने ऊपर कर दी पार्क, तो हमें थोड़ा सा टेंशन हमारा कम हो गया है। हाँ, और जो हमारी इच्छा है इसकी, इसमें बर्फ़ में इंजॉय करने की, वो हमारी, आप इसी के लिए रुके थे, बिल्कुल इस स्नोफॉल के ही रुके थे। और आज ही हमारा काम हो गया है कम्प्लीट। यस यस, थैंक्स टू यू ऑल। चीज के लिए हम आए थे, वो हमारी पूरी हो गई। हाँ, बिल्कुल, स्नोफॉल के लिए हमारा पूरा था कि हम स्नोफॉल देखेंगे, उसमें रहेंगे। तो आज हमारा वो दिन है। और यहाँ पे सोहेल भाई का, यहाँ पे जहाँ पे वो बकरियाँ वगैरह और भेड़ वगैरह रखते हैं, घोड़े रखते हैं। अब घोड़े भी हैं यहाँ पे, मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो रात को पता चला, भाई ने बताया। ये सब यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, ये सिर्फ पशुओं के लिए है, ये शेड है। अलग अलग चीज है इसमें, गाय घोड़ा, इसमें डॉगी, ये लिए अलग से, और इनके लिए जो हमको है ना कोटा पहले रखना पड़ता है। अच्छा, खाने का कोटा, जैसा कि 2-3 लाख रुपया हमको, 3.5 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। अच्छा, ये हम पहले मतलब पैसे रखते हैं, फिर माल लाते हैं, जैसा घास है, चना है, चोकर है। अच्छा, ये माल के लिए है सर, पहले रख लेते हैं स्टोर करके। हम जो कमाते हैं माल के लिए कमाते हैं सर, माल हमारा जो है मेन चीज है। हाँ, उसी के सहारे जो है वो सर्दियाँ कटती हैं। जी सर, सही है, क्योंकि गायों से दूध लेते हैं, शीप रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमारे बच्चों को भी, हमको भी, जैसे हमारे माँ बाप ने पहले से किया है। अच्छा, तो यहाँ पे देखोगे ये भी घास है, ये घास कवर करके रखा हुआ है। ऊपर देखोगे वहाँ पे घास है, ऊपर पूरा घास, ऊपर जो है ये सारा का सारा घास है शेड के अंदर, उसमें माल है, चना चोखर है, वो अगले वाले। अच्छा, ये अंडरग्राउंड, इधर आ जा थोड़ा। ये है सारा एरिया यहाँ पे, ये जो है, यहाँ लाइट नहीं है, मैं करता हूँ लाइट, मेरे पास है लाइट। ये हमारा जो है गायें हैं जिनके हम दूध पीते हैं, ये देखो। जी जी सर, कोई बात नहीं, ये शीप का सारा कुछ है, इसको बाद में हम दिखाएंगे आपको, थोड़ा लाइट आने देते हैं। और ये इसमें शीप्स खाते हैं। अच्छा, ये शीप्स का खाने का एरिया, ये इनका डाइनिंग टेबल है। ये इनका डाइनिंग टेबल है, और उसमें माल रहता है, उसमें रखा हुआ है, जैसे चोकर वगैरह हो गया, खली वगैरह हो गया, और उनका खाने का सामान सारा उसमें रखा होता है। कुत्ता नीचे, कुत्ता ले लोगे थोड़ा शॉट? हाँ हाँ, आपको कुछ नहीं करेगा। ना ना ना, कोई बात नहीं, कुत्ता कहाँ है? नहीं नहीं, अभी तो बांधा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी दानी। ये है
लाइफ कश्मीर में, कश्मीर में लाइफ कैसी होती है। ये आ गया, हाँ ये आ गया डॉग। ये देखो ये है इनका डॉगी। करना कुछ नहीं यार, काट मत। ये देखो ये क्या कर रहा है ये भाई। इसके भाई कुत्ते के बारे में बताओ, आपने बताया था कि कैसा कुत्ता है। जो कुत्ता है अगर इसको खुला छोड़ेंगे ये लगभग 2-4 आदमियों को काटेगा। हाँ हाँ। और ये जो कुत्ता है इसके पास खासियत क्या है। हाँ हाँ। जब हमारा माल मवेशी खाने के लिए जा रहे हैं, चरने के लिए घास वगैरह, हाँ हाँ। ये उनकी राखी करता है, रखवाली करता है। और जो रात में अगर कोई चोर वोर भी आ जाए, ये कुत्ता आवाज देता है, हमको पता चल जाता है। बिल्कुल। और ये जो कुत्ता ये हमारी जान है और ये राखी करते हैं। दूध पिलाया पूरे बच्चा इसको, ये पहले बीमार हुआ था, इसको पोलियो हुआ था। अच्छा। छोट, 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 अंदर चल, चल अंदर, बाहर नहीं निकलना, चलो सर। चलो, इसको पोलियो हुआ था, बहुत बीमारी हुई थी, फिर मेरे माँ ने इसको दूध पिला। अच्छा अच्छा, नहीं बच्चे की तरह पालना पड़ता है भाईजान। देखो अभी इसने मेरा फेरन भी काटा, अगर हाँ हाँ। अभी इसको धोना पड़ेगा, कोई हाँ बात नहीं। हाँ हाँ। तो दूसरा बात यह है, हाँ। इसके वजह से हम यहाँ पे सेफ है। आपका माल सेफ है, जाए जंगल में चरने के लिए जाता। मेरे पास और एक बड़ा कुत्ता था इतना, लेकिन वो हमको भी काटने लगता था। अच्छा, ये मेरे साथ में था ना, इसके वजह से इसे कुछ नहीं बोला। हाँ हाँ हाँ, तो ये मारता है। तो ये है सोहेल भाई का घर, और यहाँ पे ऐसी होती है लाइफ। पानी पूरा जम जाता है सब कुछ। यहाँ पे है अखरोट का पेड़। अलग घर, अंडरग्राउंड। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसको भी तो ठंड लगता है। ठंड लगता है। हाँ। और वो उसको खुला छोड़ते हैं ना, वो भाग जाता है। और काटेगा लोग उनको। ये यहाँ से पाइप लीक है, और देखो सारा जम गया है पानी, हल्का हल्का निकल रहा है। इस तरह से बर्फ में करना पड़ता है गर्म पानी से, ताकि इसमें पाइप में अगर बर्फ जमी है तो वो निकल जाए और पानी आ जाए। तो अभी ये देखो खेल रहे हैं यहाँ पे बंटे, और क्या कहते हैं इसको, टिचुम टिचुम। तो अभी हम इनके, हाँ अभी खेलेंगे हम भी टिचुम टिचुम। अभी भी हम खेल रहे हैं इनके साथ। आ जाओ, कैसे शुरू करते हैं गुत्ते मेड़ा। क्या नेम था, कैसे ऐसे ऐसे करके गुत्ते मेड़ा। अच्छा, अपने अपने में रुकेंगे। नहीं फिर मैं किसको मारूंगा, किसी को, किसी को जो फटे हो अपनी मर्जी। किसको मारूं? अच्छा ये तो छुपा हुआ है। हाँ ये तो छुपे है। आप कहाँ पर रहते हो? तो एक बार मारने के बाद फिर इसमें वापस आना है। नहीं नहीं नहीं, हम बताएंगे। यार मैं एक बात बताता हूँ, एक्चुअली थोड़ा ये डिफरेंट है, हमारा वाला थोड़ा डिफरेंट होता है, इनका थोड़ा डिफरेंट है। अभी देखते हैं। मेरा कहाँ गया? वो खा गया। खा लिया? ओ, मतलब मैं हार गया। हाँ। ओ यार। तो ये हैं फिरोजपुरा के बच्चे। बाय 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 बाय। तो दोस्तों जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, क्योंकि जो धूप थी वो बिल्कुल जा चुकी है अभी। और ये छोटा पुल, अब यहाँ से हम जा रहे हैं और देखते हैं कि ये कहाँ हमें लेके जाता है। बाकी नज़ारे आप देखो, कमाल है यार। तो दोस्तों ये पुल है नीचे, ये पुल जो है लकड़ी का है, ये सारा आप देखेंगे लकड़ी का पुल है। तो अभी इसमें रिस्क है, तो अभी मैं इस छाते को यूज़ करूँगा नीचे चेक करने के लिए कहाँ पे सॉलिड है। तो देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो मैं वन बाय वन करके जाऊँगा, मींस वन बाय वन स्टेप करके, देखते हैं कि अगर गिर गया तो भी संभलना तो पड़ेगा ही, अगर नहीं
गिरा, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहता मैं ज़्यादा, इस करके मैं छाते से इसको चेक कर रहा हूँ। तो दोस्तों जा रहा हूँ मैं, अभी देखता हूँ वन बाय वन। दोस्तों वैसे तो ये पक्का पुल है, ठीक है, बट फिर भी रिस्क नहीं ज़्यादा ले सकते, ठंड बहुत है, नीचे गिरते तो पानी में गिरना था। तो दोस्तों अभी हम बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं जंगल में हैं, और अभी यहाँ पे हम बॉनफायर जलाएंगे। तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई ताज़ा पेड़ जो होता है, खड़ा हुआ पेड़, वो मत काटें। अभी जीना है तो जो टूटा हुआ पेड़ है उसको काट के थोड़ा सा तो जलाना पड़ेगा। इसीलिए मुझे जो है यहाँ पे कुछ टूटा हुआ पेड़ मिल गया है, काफ़ी पुराना है, तो हम उसको थोड़ा सा अपने यूज़ के लायक काटेंगे और उससे बॉनफायर चलाएंगे। तो ये एडवेंचरस लाइफ है, कैसे सरवाइव करते हैं, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसीलिए जो है मैं गांव की ब्यूटी और गांव के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर लेके जा रहा हूँ, और कैसे हम वहाँ पर, अभी विंटर्स बहुत हार्श हो चुकी हैं यहाँ पर, रात को टेम्परेचर आप सोच के चलिए कई बार तंगमर्ग जगह है, यहाँ पे भी -15 तक जाता है। और गुलमर्ग में तो स्नोफॉल हुआ है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर जब न्यू ईयर पे रुके थे तो -20 से भी नीचे था टेम्परेचर, क्योंकि 20 तक तो मैंने खुद रिकॉर्ड किया था। तो अभी हम करेंगे बॉनफायर की तैयारी। तो दोस्तों मेरे पीछे ये पेड़ गिरा हुआ है, ठीक है, ये तो बड़ा पेड़ है, ये अलग से गिरा हुआ है, इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, बट ये है छोटा पेड़, ये देखिए ये साइड में गिरा हुआ है, तो हम इसमें अपना यूजेबल्स जो है वो निकालेंगे अभी। तो दोस्तों मैं कुछ अपने गाड़ी में कैरी करता हूँ सामान, ठीक है, ये है सॉ, हैंड सॉ, हम इसको आरी भी कहते हैं, ये है 30 सेंटीमीटर की आरी है, ये हमारे काफ़ी काम आएगी आज यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कटिंग करके दरार टाइप का भी है, वो भी उससे भी हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं हम कितना अच्छी तरह से काट पाएंगे या नहीं। हाँ तो दोस्तों फर्स्ट वाला तो कट गया है, ठीक है, अब काटते हैं सेकंड लॉग। दोस्तों कुछ चीज़ें आरी से नहीं करते हैं, गिली थी ये लकड़ी, तो इससे ट्राई करते हैं, यह देसी साउथ इंडियन तड़का, ठीक है। ओए अब इतना टाइम हो गया काम किए हुए तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, हाँ इससे कट जाएगा आराम से। अब ये जो एरिया है यहाँ पर, यहाँ पे हम लकड़ियाँ लगाएंगे, थोड़ी छोटी लकड़ियाँ ढूंढेंगे थोड़ी सी, क्योंकि बड़ी तो अकेली जलती नहीं है। ये जो फीलिंग है ये एक्सट्रीम वाली फीलिंग है, ठीक है, तो इतना आसान कुछ भी नहीं है। बाकी महेश भाई बताएंगे, हमने तैयार कर दिया अपना सेटअप, सेटअप अभी तैयार है, आप इसमें थोड़ा सा पेट्रोल डालेंगे और थोड़ी छोटी लकड़ियाँ देखेंगे यहाँ आसपास से। तो अभी हम थोड़े और आगे जाएंगे, थोड़ी छोटी लकड़ियाँ ढूंढेंगे। तो बर्फ़ तो यहाँ पे एक एक फीट से भी ज़्यादा बर्फ है यहाँ पे, तो आराम से चलेंगे ताकि कहीं दब ना जाए। दोस्तों फाइनली 5 मिनट थोड़ा सैर करके एक पेड़ आगे गिरा हुआ मिला है, उसमें छोटे छोटे टहनियाँ लगी हुई हैं, देखते हैं सूखी होंगी तो फिर हम उसको लेके चलेंगे और बॉनफायर करेंगे। तो आइए,
तो दोस्तों अभी थोड़ी सी और लकड़ियाँ मिली हैं तो शायद हमारा गुजारा हो जाएगा, बाकी देखते हैं क्योंकि अभी बोनफायर की भी ज़रूरत है क्योंकि ठंड लग रहा है, शूज़ गीले हो चुके हैं, गीले मीन्स की ठंडी काफ़ी हो चुके हैं। तो चलिए अभी जलाते हैं, आग करते हैं शुरू। तो दोस्तों करते हैं अभी स्टार्ट, देखते हैं जलता है या नहीं। नहीं एक्चुअली डर लगता है मुझे। ये वाह फाइनली देखते हैं कि कब तक जल पाता है। आग तो ठंड में बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी। आग के बिना तो हालत ख़राब हो जाती है। ये है हमारे छोटे कश्मीरी दोस्त, इसको तो आप जानते हैं ओमान को, और ये भाग रहे हैं, इनको शर्म आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे आग जलाने में। हाँ, हम ये काट रहा है। हाँ, ये काट रहा है बट ये सिर्फ मजाक कर रहा है। हम क्योंकि पेड़ नहीं काटते, जो गिरा हुआ पेड़ हम वही काटेंगे। तो दोस्तों बोन फायर हमारा लगभग आधा पौने घंटे में ख़त्म हो गया और थोड़ा धूप भी आ गया है, तो अभी हम चलेंगे मार्केट की तरफ, थोड़ा देखेंगे वहाँ पे और क्या बनता है। अभी खबर मिली है कि जम्मू वाला रोड जो है बंद हो चुका है स्नोफॉल की वजह से, तो अब देखना पड़ेगा कैसे हम वापस जाएंगे क्योंकि अभी हम फंस चुके हैं एक तरह से बहुत बुरी। पर बुरा सिर्फ फंसना ही है, उसके अलावा सब कुछ बहुत अच्छा है क्योंकि टाइम हम 5-6 दिन का लेके आए थे बट आज 7 डे है, तो मुझे लगता है कल तक हम शायद यहाँ से निकल जाएंगे। वादियाँ बहुत ही सुंदर हैं।